रायपुर में बीजेपी संगठन की बैठक हो रही है और ओम माथुर की अगुवाई में ये बैठक लगातार चल रही है। दरअसल इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है और खास बात यह है कि बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नए नवेली प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और नितिन नवीन भी मौजूद हैं। इसके अलावा मंत्री भी मौजूद हैं और संगठन के लोग भी इस बैठक में बुलाए गए हैं और इन सभी के साथ मंथन किया जा रहा है। बूथ स्तर पर अभियान चलाने के लिए ये चर्चा चल रही है और सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत भी हो रही है, क्योंकि सरकार भी नई है और ऐसे में कुछ फैसले जरूर लिए गए जिसका जिक्र मोदी की गारंटी के नाम से किया गया था और उसी को कैसे जमीन तक पहुंचाया जाए लोगों तक, इसी को लेकर चर्चा जो है वो हो रही है। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपना अलॉट बंगला अस्त व्यस्त हालत में देख भड़क पड़े। वे निरीक्षण के लिए यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने फिर बाद में निरीक्षण करने के बाद कहा कि एसी, टीवी और नल की टोटी तक गायब हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दीवारों तक को खोद दिया गया है, टाइल्स और केबल तक उखाड़ दी गई है। उनकी माने तो बंगले में इतनी तोड़फोड़ की गई है कि उसे ठीक करने में एक महीना लग जाएगा। बता दें कि पूर्व मंत्री शिव कुमार डेहरिया इस बंगले में रहा करते थे और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश इस मामले में दिए। मौजूद है श्याम बिहारी जायसवाल को जो अलॉट किया गया है उस बंगले में मौजूद है। आप सीधे देख सकते हैं, कुछ कल यहां पर श्याम बिहारी जायसवाल जी निरीक्षण के लिए आए थे बंगला अलॉट होने के बाद। इसके बाद उन्होंने अंदर जो निरीक्षण किया उसमें पाया कि यहां पर तोड़फोड़ हुई है, टाइल्स उखाड़ दिए हैं, एसी तक ले जाया गया है, ये उनका आरोप है, नल की टोटी तोड़ दी गई है, इस तरीके से कहा गया है। हम यहां पर जब मौके पर जानने के लिए पहुंचे तो यहां पर जो है विभाग ने सभी कमरों में ताला लगा के रख दिया है। यहां पर किसी तरीके से अंदर की वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से श्याम बिहारी जायसवाल ने सवाल उठाए हैं पूर्व मंत्री के बंगले को लेकर कि तोड़फोड़ हुई है और जो सामान उखाड़ कर ले गए उसकी जांच की भी उन्होंने बात की है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18। मौजूद है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। श्याम बिहारी जायसवाल जी, कल आपने बंगला निरीक्षण के लिए गए थे, क्या देखा, क्या पाया वहां पे? मैं तो वहां रहने के उद्देश्य से गया था, एक दो दिन में शिफ्ट हो जाता ऐसा सोचा था। जो मेरे मन में कल्पना थी कि चूंकि वो शासकीय आवास है, मंत्री का आवास है राज्य के, तो मैं सोचा उसमें जाकर काम चालू करूंगा, लेकिन वहां जाकर देखा तो दृश्य ही पूरा बदला था। वहां एक एक सामान पूरे गायब थे, दीवालों को खोद दिया गया है। वो मुगल काल के समय जैसे मंदिरों में आक्रमण होता था तो पूरा खोद खोद कर पूरा जो भी सोना चांदी जड़ा रहता था निकाल लिया जाता था। दीवालों में जगह जगह गड्ढे हैं, पूरा एसी गायब है, यहां तक कि केबल टेलीफोन के केबल तक काट लिए गए हैं। किचन का किचन पूरा पत्थर से लेके पूरा निर्माण गायब है, किचन का नामो निशान नहीं है, नल के टोंटी गायब है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आपको किस पर शक है, कौन कर सकता है इस तरीके से कृत्य? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें किन लोगों ने किनका हाथ है, इस घटना को किसने अंजाम दिया है। पूरे यहां तक कि बड़े बड़े कांच गायब हैं, पूरे लाइट के खंभे गायब हैं। ये सुनियोजित ढंग से किया गया है, राज्य की संपत्ति का इसमें नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, जो दोषी होगा उससे वसूली की जाएगी। सिक्योरिटी सुरक्षा भी वहां पे होता है और जब मंत्री बंगला अलॉट होता है तो वहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही इसमें हो सकती है कि व्यवस्था सही तरीके से नहीं की गई। देखिए, इसको मैंने जांच के लिए कहा है पीडब्ल्यूडी वालों को, एक बार पीडब्ल्यूडी वाले जांच करेंगे कि हमारी क्या क्या सामान था और ये कितना नुकसान हुआ उसका आकलन लोग करेंगे। ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि अव्यवस्था जो हुई है, मंत्री बंगले में तोड़फोड़ हुई है, उसकी जांच निश्चित तौर पर कराई जाएगी और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इधर पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले से सामान गायब होने का मामला जो है ये प्रकाश में आया। बंगले में लगे एसी, टीवी गायब हैं, बंगले में कुछ खंभे भी लगाए गए थे वो भी गायब हैं, साथ ही किचन के सभी सामान भी गायब हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, अब मंत्री और विधायक के बंगले
खाली कराए जा रहे हैं। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मंत्री शिव डहरिया नगरी प्रशासन मंत्री के बंगले पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े पोल हैं वो लगाए हुए थे, वो भी अब गायब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे आप बंगले की कि बहुत सारे ऐसे सामान हैं, चाहे वो एसी हो, कूलर हो, तमाम ऐसे चीज़ हैं वो लगातार गायब हो चुके हैं। और ये तस्वीर बताता है कि आखिर यहाँ के सामान हैं वो आखिर गए तो गए कहाँ। और ये आप देख सकते हैं अभी भी जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद जरूर है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन हम देखेंगे ये तस्वीर देखें, यहाँ पर बड़े बड़े जो पेंटिंग्स हैं वो लगाए गए थे वो भी गायब हैं। और इसके अलावा एक एक रूम की तस्वीर है हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए, मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा, यहाँ बेड जरूर रखा हुआ है लेकिन यहाँ के जो एसी हैं वो गायब है। इसी तरह अन्य कमरे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर एक बड़ा टीवी लगा हुआ था वो भी गायब है। और इसी तरह की जो तस्वीर है, और देखिए ये हॉल है, हॉल में सोफा जरूर है, और आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा एसी लगा था वो भी पूरी तरह से गायब है। ठीक इसी तरह दूसरे कमरे की भी जो तस्वीर है, मैं सहयोगी इमरान से कहूँगा दिखाएं, इस रूम के जो बड़े एसी हैं वो भी गायब है। और इसी तरह से जो टीवी लगा हुआ था बड़ा, इस कमरे में भी एक बड़ा टीवी था वो भी गायब है। और भी हम तस्वीर दिखाएंगे, किचन की तस्वीर आपको बयां करने के लिए पर्याप्त होगा। और देखिए यहाँ पर एक बड़ा जो एलईडी टीवी रखा था, चूँकि ये हॉल है तो उस लिहाज से जो अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, यहाँ बैठकर मनोरंजन के साधन भी था और तमाम जो चीज़ें थी। और ये पूरी जो प्लग है, स्विच है, तमाम उखड़ी हुई हैं। और इसके अलावा देखिए ये किचन है, किचन में यहाँ तक के एक भी स्लैब भी मौजूद नहीं है, पूरी तरह से गायब है। ये नल है, नल भी टूटी हुई हैं, सिंक है वो भी गायब है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम जो चीज़ें हैं पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बंगले से गायब है। आखिर कौन ले गया, किसके इशारे पर यहाँ का सामान है वो ले जाया गया, ये जांच का विषय है। फिलहाल जब सुर्खियों में आया मंत्री के जो बंगले खाली हुए उसके बाद यहाँ से जो सामान गायब हुआ है, अब उसकी जांच जरूर होगी या होनी भी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल तमाम जो बेशकीमती सामान है, महंगी सामान है, वो पूरी तरह से गायब है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।